सीता माता का वनवास की कहानी। सीता माता खुद ही तय करती हैं कि मुझे वनवास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पति बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहा करते थे और वो अपनी पत्नी को ये कह नहीं पा रहे थे कि तुम घर छोड़कर वनवास को चली जाओ, मगर ये मना करते हैं कि तुम मत जाओ सीता माता को। मगर सीता माता इनकी बात नहीं मानती है और चली जाती है। कहीं ना कहीं श्री राम भगवान भी चाहते थे कि सीता माता वनवास में चली जाए, मगर वो इनसे कह रहे थे कि तुम मत जाओ। और राम जी इनसे बहुत प्यार करते थे, मगर समाज के लोगों की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया था। और वाल्मीकि जी के पास ये गई तो वाल्मीकि जी ने बोला कि आपको अपने पति का घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे दो बच्चे उन पे क्या असर पड़ेगा इसका, तुम उनको गरीबी में पालोगी मेरे आश्रम में। मगर फिर वो बोलते हैं कि अब तुम मेरे शरण में आ गई हो तो तुम्हारी मदद मैं करूंगा। और यहाँ पर जो शत्रुघ्न जी है वो लड़ाई लड़ने के लिए कहीं युद्ध करने जा रहे थे, तो इनका आशीर्वाद लेने आए थे वाल्मीकि जी। और इन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर सीता माता जो भाभी माँ रहती है वो यहाँ पर है, और उन्हीं का बच्चा इनकी गोद में ये वाल्मीकि जी देते हैं। क्योंकि इन्हें ये बात पता था वाल्मीकि जी को कि शत्रुघ्न जी जो है इनके चाचा लगते हैं, मगर शत्रुघ्न जी को ये बात नहीं पता था कि ये मेरे दोनों भतीजे हैं और इनकी गोद में देकर ये नामकरण लवकुश दोनों बच्चों का वाल्मीकि जी रखवा देते हैं। और सीता माता जी दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं जिनका नाम लवकुश है। और सीता माता यहाँ पर रहती हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहाँ पर वो पति के वियोग में बहुत दुखी रहती हैं। और वाल्मीकि जी एक पिता की तरह उनको अपने घर में जगह देते हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है वहाँ पर, मगर पति की पीड़ा की वजह से बहुत परेशान भी रहती हैं और अकेले ही दोनों बच्चों का पालन पोषण ये करती है और इन्हीं के सहारे जीने भी लगती है। धीरे धीरे दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं हल्के से, तो इनके सहारे इनका जीवन थोड़ा आसान हो रहा था। और ये बहुत मेहनत करती थी, जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती थी, और आश्रम में बहुत सारी औरतें थीं जो कि इनके बच्चों को संभालती थी, इनकी मदद भी बहुत ज़्यादा किया करती थी। और ये सारा काम करती थी, धान कूटती थी और बच्चों को भी पालती थी और उनके साथ मस्ती भी करती थी। और इनके बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें किसी बात का पता भी नहीं था। और उधर राम जी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और उन्होंने भी बोला था कि मेरी एक ही पत्नी है सीता, उसके बाद मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा। और राम जी ने भी कोई दूसरी शादी नहीं किया था, मगर वो जनता की वजह से वहां के राजा थे, उन्होंने पत्नी का त्याग किया सीता जी।